नमस्कार, मैं ऑल राइट चैनल से अमरीन जहां। लगभग 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन एक बार फिर से हुआ सक्रिय। भारत सरकार से किसान यूनियन की 11 दौर की बातचीत और 10 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन समाधान नहीं निकला। आपको बता दें, किसान संगठन एक बार सक्रिय हुआ और सरकार का अपनी ओर ध्यान करने के लिए 27 सितम्बर के दिन भारत बंद का ऐलान किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की है। आइए आपको दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर से संवाददाता मुकेश गुप्ता की ये रिपोर्ट। आज भारत बंद है, किसानों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे इसको सफल बना रहे हैं? शांतिपूर्वक, जनता के सहयोग से, आम आदमी के सहयोग से इसको सफल बनाया जा रहा है और बराबर सफलता की ओर बढ़ रहा है। 4 बजे तक हमारे आंदोलन का समय है और हमें लग रहा है कि बहुत आराम से निपटेगा, सम्मानपूर्वक निपटेगा। जनता ने हमारी मजबूरी को समझा है, आज वो सहयोग कर रहे हैं हमारा। फिर भी किसी को अगर ज़रूरत है, परेशानी है, इमरजेंसी है, तो उसके लिए हमने रास्ता खोल रखा है। बराबर लोगों को निकाला जा रहा है। भाई, पुलिस का अलग मामला है। पुलिस तो जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से दिल्ली वालों को और इधर वालों को परेशान किए हैं। बिना वजह रोड बंद करके रखे हैं, कीला गाड़ रखे हैं, दीवार उठा रखी है, कटीले तार लगा रखे हैं। जिन तारों के लगाने से किसान पे मुकदमा होता है, वहाँ सरकार तार लगा रही है। तो ये सरकार का मामला है, किसानों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। किसानों की बात करें तो आप वैसे आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष भी आप, तो आप क्या समझते हैं कि आज भारत बंद के दौरान कितनी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, किसान? आज मोस्टली यहाँ से पदाधिकारियों को और पब्लिक को जिलों में भेजा गया और गए हैं स्वतः, क्योंकि हर जिले में, हर ब्लाक तहसील में आंदोलन है, तो सारे लोग आज आंदोलन के लिए गए हैं। फिर भी यहाँ पर्याप्त पब्लिक है और आंदोलन मजबूती से चल रहा है। लोग अपना मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सरकार नहीं झुक रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार किसी ना हो जाएगी, तस से मस भी हो जाएगी। कोई बड़ा समय थोड़ी गुजरा, हुई 10 ही महीने तो हुए हैं। आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक सरकार चाहेगी तब तक आंदोलन मजबूती से चलेगा। चुनाव भी है और फिर इसके बाद कल ही उन्होंने घोषणा की है, यूपी के मुख्यमंत्री ने, कि उनका किसान गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, उस पर आप क्या कहेंगे? किसानों को 4 साल में 25 रुपये बढ़ाया है, महंगाई 4 गुनी कर दी, ₹25, इससे काम नहीं चलेगा। महंगाई के सापेक्ष हमारी फसलों के दाम बढ़े, हमें लाभकारी मूल्य मिले, ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और MSP पर पूरा माल बिके, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये हमारी डिमांड है, इसलिए हम MSP पे कानून बनवाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अन्य राज्यों से ज़्यादा यहाँ 350 किया अब मिला नहीं है, किया है। पंजाब में 360 रुपया है, हरियाणा में 362 रुपया है, फिर भी ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है। भाई, कमाल की बात है। पड़ोस में ऑन पेपर है, लेकिन अब झूठ बोलने की भी कोई लिमिट है? अब ठेका ले रखा है इन्होंने झूठ बोलने का, तो भगवान भला करे इनका। अब अंतिम सवाल है कि ये जो आज का आंदोलन है आपका, आपको कहीं ना कहीं क्या लगता है, कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी आप लोगों को क्या आज के इस आंदोलन से, जो भारत में आपने उससे कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक जी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी, और शुरू से ही इस आंदोलन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने 5,000 पूर्व सैनिक, हमारा संगठन है पूर्व सैनिकों का, मैं अपने संगठन के साथ मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं संगठन का, और 5,000 पूर्व सैनिकों को हम लेके आए थे यहाँ पे 16 दिसंबर 2020 को, तब से हम यहीं पे हैं। जी बिल्कुल, ये मैसेज जा रहा है पूरे देश के अंदर, मैसेज जा रहा है, सरकार को भी जा रहा है, जनता को भी जा रहा है, और हमें अपनी ताकत का भी पता लग रहा है कि हमारी ताकत कहाँ कहाँ है। जहाँ हमें लगा कि यहाँ पे कमज़ोर है, वहाँ पे हम अपनी ताकत और बढ़ाएंगे और तैयारी करके आएंगे और इस सरकार के घुटने टिकाएंगे बिल्कुल बुरे तरीके से। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राष्ट्र विरोधी कानून वापस लो, राष्ट्र विरोधी कानून वापस लो, MSP।